हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत ही झक्कास होंगे और अपने अपने जीवन में तूफान मचा रहे होंगे। सही बात है, तूफान मचाते रहे, पढ़ाई में तूफान मचाए, जीवन में तूफान नहीं मचाइए, समझे? तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर अप्रॉक्स 3 लेक्चर जो डीएनए का बेसिक इंट्रोडक्शन था, डीएनए का स्ट्रक्चर था, डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स और नाइट्रोजनी बेसिस क्या क्या होते हैं, सुगर कितने टाइप की होती है, ठीक है, एल्डोस सुगर, कीटोस सुगर, पेंटोस सुगर, सारे टाइप की सुगर, मतलब सारा फुल्ली डिटेल स्ट्रक्चर हमने डीएनए के बारे में इससे पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें जाके। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा लीजिए। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए से पहले हम एक टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, जो डीएनए को लेके जिन जिन साइंटिस्टों ने काम किया या क्रोमोसोम के लेके जिन जिन साइंटिस्टों ने काम किया उनके बारे में बात कर लेते हैं और कब काम किया, क्योंकि कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा बताइए कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की कब की थी। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया। ठीक है, ये कहाँ पे काम कर रहे थे, जेनेटिक्स के ऊपर, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, ही इज अ वेरी 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 ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनका काम ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन इनका जो काम था बहुत ही हाई लेवल का था, बहुत ही हाई लेवल का था। इनके टाइम के जो अदर साइंटिस्ट थे उनके पल्ले ही नहीं पड़ा। सोचिए, इतना हाई लेवल का काम था, ये इतनी आगे की चीज़ें बता के गए थे अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर, जो प्रेजेंट टाइम के साइंटिस्ट थे इनके टाइम के, ठीक है, उनके पल्ले ही नहीं पड़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनके काम की रीडिस्कवरी हुई 1900 में, और काम की रीडिस्कवरी की किसने, इनके काम की रीडिस्कवरी की ह्यूगो डी वरीज़ ने, कार्ल कोरेंस ने, ठीक है। और फिर 1910 में लिंकेज की खोज हुई। ठीक है, लिंकेज की खोज हुई, ये सब चीज़ें जेनेटिक्स के अंदर है। जब हम जेनेटिक्स की पढ़ाएंगे तो जेनेटिक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब बात करते हैं यहाँ पे डीएनए की खोज कैसे हुई थी, डीएनए की खोज कैसे हुई थी। 1879 में एक साइंटिस्ट थे मिसर, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक मिसर, यहाँ पे लिखा होगा बड़ा बड़ा मिसर, 1869, ये क्या कर रहे थे, एक इंजर्ड सेल के ऊपर काम कर रहे थे, अपना रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, साइंटिस्ट लोग जानते ही हैं लैब के अंदर होते हैं, खोड़ बोड़ क्या करते हैं, तो ये लैब के अंदर अपने एक पस सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, पस सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने देखा न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल पाया जा रहा है। ठीक है, उस एसिडिक मटेरियल का नाम इन्होंने क्या दिया, न्यूक्लिन। यहाँ पे उस एसिडिक मटेरियल का नाम दिया इन्होंने न्यूक्लिन। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत थी, वो था तो डीएनए, लेकिन तब ये जान नहीं पाया कि ये डीएनए ही है। इन्होंने क्या किया, उस डीएनए को बाहर निकालना चाहा पूरा इंटैक्ट फॉर्म में, लेकिन वो निकाल नहीं पाए, उसको टुकड़ों में इन्होंने निकाला, तो उसको बोला इलिसियम डीएनए, क्या इलिसियम। ठीक है, इलिसियम। फिर इनके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या डीएनए के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, डीएनए को केमिकली एनालाइज किया, डीएनए को हर तरह से एनालाइज किया। इसके बाद साइंटिस्ट जो थे चारगाफ ने डीएनए के ऊपर काम किया, और फ्रैंकलिन एंड विल्किन फ्रैंकलिन ने काम किया डीएनए के ऊपर। फाइनली 1953 में एक साइंटिस्ट आया, दो साइंटिस्ट आया जिसके काम के ऊपर उनको नोबल पुरस्कार मिला, वो साइंटिस्ट थे हमारे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का इतना गजब, जिसको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, इतना गजब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसको जानने के बाद उनको हाहाकार मच गया, क्योंकि इस मॉडल के थ्रू इतनी नई चीज़ों की डिस्कवरी हुई, जैसे कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है कैसे होता है, डीएनए एक डीएनए से नया डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इस मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट की जा सकती थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम आगे। तो चलो थोड़ी देर में इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, हम स्पीड में देखते हैं। 1869 में कौन से साइंटिस्ट थे, मिसर ने क्या बताया, क्या किया इन्होंने, क्या आइसोलेट एसिडिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस।
फ्रॉम न्यूक्लियस नेम्ड, जिन्होंने क्या 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 बताया, जिसका नाम दिया नेम्ड न्यूक्लिन, न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन स्ट्रक्चर रिमेन, स्ट्रक्चर रिमेन इलिसिव, 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 डिफिकल्टी फॉर, ठीक है। तो 1879 में साइंटिस्ट थे इनका नाम मिसर, इन्होंने क्या किया, एसिडिक मटेरियल को आइसोलेट किया न्यूक्लियस से, जिसका नाम दिया न्यूक्लिन, ठीक है, जिसका नाम दिया न्यूक्लिन। और जो स्ट्रक्चर जो बचा था, क्योंकि इन्होंने डीएनए को पूरा इंटैक्ट फॉर्म के अंदर निकालना चाहा लेकिन ये निकाल नहीं पाया, तो वो डीएनए टूट गया, उस टूटे हुए डीएनए को बोला इलिसिव, डिफिकल्ट डीएनए, डिफिकल्टी डीएनए इंटैक्ट फॉर्म, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बचा, डिफिकल्ट टू आइसोलेट, डिफिकल्ट टू आइसोलेट तो भूल ही गया, डिफिकल्ट टू आइसोलेट, जिसको आइसोलेट इन्होंने पूरे इंटैक्ट फॉर्म के अंदर करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए चारगाफ, चारगाफ ने क्या बताया, उन्होंने डीएनए के ऊपर, डीएनए को केमिकली एनालाइज किया और बताया, चारगाफ जी ने डीएनए को केमिकली एनालाइज किया और बताया कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं कौन कौन से, एटी एंड जीसी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये जो होते हैं ना ये बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इनका जो रेशियो होता है ये इक्वल होता है। अगर एक डीएनए के अंदर 5 एडेनिन है तो 5 ही थायमिन होंगे, अगर एक डीएनए के अंदर 10 गुआनिन है तो 10 ही साइटोसिन होंगे, यही चीज कहना था हमारे प्यारे चचा चारगाफ के बाद, चारगाफ के, चारगाफ ने, तो चारगाफ ने क्या किया, चारगाफ ने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डीएनए फ्रॉम, डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट सोर्स, इन्होंने डीएनए को डिफरेंट सोर्स से एनालाइज किया, एनालाइज, ठीक है, मतलब इन्होंने जो डीएनए एनालाइज किया वो ये वाला डीएनए नहीं था जो ये न्यूक्लियस के अंदर खोज रहे थे, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट सोर्स से डीएनए को एनालाइज किया, इन्होंने डीएनए को केमिकली एनालाइज किया और बताया, ठीक है, और क्या बताया, रेशियो ऑफ एडेनिन टू थायमिन इज कांस्टेंट इक्वल टू 1, ठीक है, इन्होंने बताया कि एडेनिन और थायमिन ए अपॉन टी, ठीक है, इज इक्वल टू, या यहां पे बात कर सकते हैं गुआनिन अपॉन साइटोसिन, ए अपॉन टी इज इक्वल टू जी अपॉन सी, इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1, यहाँ पे जैसे कि 5 अगर एडेनिन है तो नीचे 5 थायमिन है तो 5/5 इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ 5 गुआनिन है और नीचे 5 साइटोसिन है तो 5/5 इज इक्वल टू 1। तो उन्होंने बताया कि जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो नाइट्रोजनी बेसिस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, वो एडेनिन हो या थायमिन हो या गुआनिन हो या साइटोसिन हो, ये सभी इक्वल मात्रा के अंदर डीएनए के अंदर पाए जाते हैं और सबका रेशियो 1 होता है। इसको हम एक दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तब भी वही बात आएगी। तो ये चारगाफ के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं फ्रैंकलिन के बारे में, विल्किन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, और इसे ही चारगाफ रूल बोलते हैं। चारगाफ रूल किसे बोलते हैं, ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन टी, नॉट सी, ए अपॉन टी इज इक्वल टू जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, और ए प्लस जी
अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ये क्या है, ये है तुम्हारा चार गॉफ रूल, ये क्या है, ये है चार गॉफ रूल, ठीक है, चार गॉफ रूल समझ गए हैं। चार गॉफ रूल के अंदर बेसिकली कुछ नहीं था, चार गॉफ रूल यही कहता है कि किसी डीएनए के अंदर जो एडनीन अपॉन थायमिन का जो रेशियो होता है वो इज इक्वल टू वन होता है, या किसी डीएनए के अंदर ग्वानीन अपॉन साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो इज इक्वल टू वन होता है। मतलब किसी डीएनए के अंदर अगर पांच एडनीन पाए जा रहे होंगे तो पांच ही थायमिन पाए जाएंगे, ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे, अगर पांच ग्वानीन पाए जा रहे होंगे तो पांच ही साइटोसिन पाए जा रहे होंगे, यही हमारी भाषा के अंदर चार का फ्लो का लॉ है। अब बात करते हैं विल्किन और फ्रैंकलिन ने क्या किया था, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, डीएनए को लेके एक डीएनए को टेस्ट ट्यूब में लिया था, ये हो गए हमारे टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और उसके अंदर ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है पड़ा हुआ, ठीक है, ये क्या है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसके पीछे इन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी थी, ये क्या है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म, ये फोटोग्राफिक फिल्म इन्होंने क्या किया, विल्किन और फ्रैंकलिन ने इन्होंने डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, उसके पीछे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी और यहाँ से एक्सरे छोड़ी, क्या छोड़ा, यहाँ से इसके ऊपर एक्सरे छोड़ी, एक्सरे छोड़ने के बाद जो यहाँ पे इन्होंने जो स्ट्रक्चर प्राप्त किया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्राप्त किया उसके हिसाब से इन्होंने डीएनए के बारे में एनालिसिस की और डीएनए के बारे में बताया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो हमने आज के लेक्चर में बेसिकली नॉर्मल चीज जो थी डीएनए के बारे में, न्यूक्लियस की खोज कब हुई, लिंकेज की खोज कब हुई, मेंडल का जो वर्क था कब पब्लिश्ड हुआ, कब रीपब्लिश्ड हुआ, और एसिडिक मटेरियल की जो खोज हुई ये कितने कौन से सन में हुई, इन सब बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में था, ठीक है, ज़्यादा डीप लेक्चर नहीं था और लेक्चर बहुत शॉर्ट भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुमको हम मिलते हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसके साथ, बने रहे हमारे साथ, जय हिंद।